हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर क्यू एन ए वीडियो। सो गाइज, ये मेरी सेकंड क्यू एन ए वीडियो है। मैंने लास्ट मेरी जो व्लॉग वाले चैनल पे वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बोला था आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं और मैं ओनली आर्ट वाले क्वेश्चंस पिक करूँगा, पर्सनल लाइफ वाले नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे ओनली आर्ट से रिलेटेड कंटेंट डालना चाहता हूँ। ओनली आर्ट से रिलेटेड जो भी मेरी पर्सनल लाइफ है या फिर पर्सनल कंटेंट है, वो मैं ओनली व्लॉग वाले चैनल पे डालूंगा। तो उस पर मैं अपने व्लॉग्स में आपको बता दूंगा मेरे बारे में। आपको पता ही होगा, वैसे अब तो चल गया होगा मेरे जितने भी आपने वीडियोस देखी हैं। तो और भी अगर कुछ होगा तो मैं आपको अपने व्लॉग्स में दिखा दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मेरे व्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर मैं आपको टिप्स दे देता हूँ, जो भी बड़ी बड़ी जो मैं इस चैनल पर नहीं बता सकता हूँ। कोई भी लंबी वीडियो बन जाती है या फिर कोई भी सजेशन देना हो, कोई भी टिप्स देनी हो या फिर अपने से रिलेटेड कोई वीडियो बनानी हो या फिर कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे मुझे लगता है मुझे वीडियो बनानी चाहिए, आपके साथ बात करनी चाहिए, तो मैं वीडियो बना देता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मेरे व्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब Q&A स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांश आर्ट्स का, बिगिनर के पास कौन सा मटेरियल होना चाहिए। तो जैसे कि आप सबको मैं कहता हूँ, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ज़्यादा मटेरियल्स बिल्कुल भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी पेंसिल अवेलेबल होती है मार्केट में, कोई भी अप्सरा की, कैमलिन की, कोई भी हो, फैबर कैस्टल, आर्ट लाइन, जो भी हो, इनमें से आपके पास अवेलेबल हो, जो भी मार्केट में आपको मिल रही हो, आप बाय कर सकते हैं, उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पेपर भी आप कोई भी कार्ट्रेज रफ पेपर आप बाय कर सकते हैं, जो भी आपको मार्केट में मिल रहा है, कोई भी ड्राइंग शीट हो। और इरेजर तो सिंपल सा आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपको, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, अपनी आउटलाइंस को इम्प्रूव करना है, अपनी लाइंस को इम्प्रूव करना है, शेप्स को इम्प्रूव करना है और शेडिंग को इम्प्रूव करना है, जो कि आप इन पेंसिल्स का यूज़ करके भी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, अगर आप प्रैक्टिस करें तो। अगर आपकी ड्राइंग इम्प्रूव हो जाती है, उसके बाद आप अपग्रेड करें, तो मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप बिगिनर हैं तो आप इन्हीं मटेरियल्स का यूज़ करें जो कि मैंने आपको बताया, बस पेंसिल, पेपर और इरेजर, जो कि आप चीप का यूज़ कर सकते हैं। तो आप सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल सिंह का, सौरभ भाई ब्लेंडिंग स्टंप को पूरी तरह अच्छे से क्लीन कैसे करते हैं। तो इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, पहले आपको बता रखा है कि आप सैंड पेपर का यूज़ कर सकते हैं। सैंड पेपर से आप काफ़ी अच्छे से अपने पेपर स्टंप को क्लीन कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से। तो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं ट्यूटोरियल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा बिस्त का, थैंक्स फॉर इंस्पायरिंग अस बाय योर हार्डवर्क एंड आई वॉन्ट टू आस्क विच इज़ द बेस्ट मेथड टू ड्रॉ आउटलाइंस, ग्रिड और फ्री हैंड। तो आई थिंक ग्रिड और फ्री हैंड दोनों ही ईजी हैं, क्योंकि ग्रिड में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है बहुत ही ज़्यादा, जो कि मेरे बस की तो है नहीं। मेरे को तो फ्री हैंड में ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि दोनों में सेम ही टाइम लगता है। और ग्रिड में आपको ग्रिड बनानी पड़ती है और फ्री हैंड में आपको एक पार्ट को अच्छे से मेजर करके फ्री हैंड ड्रॉ करना पड़ता है, बट उसके लिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, फ्री हैंड की आपने प्रैक्टिस करी होनी चाहिए। तो दोनों ही सही हैं और मैं फ्री हैंड यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आई थिंक फ्री हैंड ज़्यादा सही है मेरे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुणाल प्रजापति का, भाई आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने स्कूल के साथ ड्राइंग कैसे कर सकता हूँ। तो भाई, अगर आप स्कूल में हैं तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर आप स्कूल में हैं तो आपको, अगर आप डेली का आधा घंटा भी निकाल सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बस आपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और उनके शेप्स को आपने देखना है और शेडिंग की प्रैक्टिस करनी है, और बस आधा घंटा भी आप डेली की प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि अभी आप स्कूल में हैं तो आपके लिए बेस्ट टाइम है ये प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी ईयर्स हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप अगर आधा घंटा भी डेली का निकालेंगे तो, जो कि आप निकाल सकते हैं काफ़ी ईजिली, तो मैं आपको ये कहूँगा आधा घंटा निकालो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो अपने आसपास की चीज़ों को, और ड्रॉ करने का ट्राई करो, स्टिल लाइफ ट्राई करो, जिस तरह से मैंने आपको बेसिक बता रखा है, आप मेरे ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यूलिना दास, हाउ कैन आई गेट ए स्मूथ इवनली ब्लेंडेड बैकग्राउंड ऑफ ए स्केच विद ग्रेफाइट पेंसिल्स। तो अगर आपको ग्रेफाइट पेंसिल से बिल्कुल स्मूथ बैकग्राउंड ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको पहले शेडिंग आपकी बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन में होनी चाहिए, एक ही कहीं पर डार्क कहीं पर लाइट नहीं होनी चाहिए। तो आपको पहले तो स्मूथ पेंसिल का यूज़ करना पड़ेगा, जितना डार्क आपको करना है उस हिसाब से आपको एक ही पेंसिल का यूज़ करके कम्प्लीटली बैकग्राउंड को शेड करना चाहिए। अगर आपको सेम ही करना है तो बिल्कुल स्मूथ, और ब्लेंड आपको करो टिश्यू पेपर का यूज़ करके। मैंने इस पर वीडियो बनाई थी बैकग्राउंड को किस तरह से आपने शेड करना है, तो आप मेरे ट्यूटोरियल में चेक कर सकते हैं। बाकी मैं कहूँगा यूनिफॉर्म मोशन में शेडिंग करो पूरे बैकग्राउंड में, उसके बाद आप टिश्यू पेपर का यूज़ करके काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर पाओगे स्मूथली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा विद आराध्या, सर आप कब तक ड्राइंग करते हो और आपकी एक दिन में कितनी ड्राइंग्स बनाते हैं, पिक दिस क्वेश्चन फॉर Q&A। तो मैं दिन में ड्राइंग करता हूँ, जो भी मेरे वीडियोस हैं वो मैं दिन में रिकॉर्ड करता हूँ, और जो फेस कैम वाली वीडियो है वो मैं रात को रिकॉर्ड करता हूँ, जैसे कि अब कर रहा हूँ। और दिन में मैं ड्राइंग करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, और शाम को मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और जो कमीशन वर्क होते हैं उनको भी मैं रात में ड्रॉ करता हूँ। तो दिन में और रात में, और डेली की मैं एक तो बना ही लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक फूड चैलेंज का, आप कौन सा पेपर यूज़ करते हो।
तो बेसिकली मैं ट्यूटोरियल्स वगैरह के लिए तो आइवरी का ही यूज़ करता हूँ, और स्केचेस के लिए भी मोस्टली मेरे 90% स्केचेस मैंने आइवरी पे ड्रॉ किए हैं, बट आजकल मैं ब्रिस्टल पेपर भी यूज़ कर रहा हूँ जो कि कैंसन का है, और ब्रूस्टर का ब्रिस्टल पेपर भी यूज़ करता हूँ मैं, तो ये भी हैं, और कार्ट्रिज पेपर भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ आजकल, तो मैं सारे पेपर यूज़ करता हूँ और डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो यही पेपर है जो मैं यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोशनी रविंद्र बेट, विच ग्रेफाइट एंड चारकोल पेंसिल आई यूज़ अंडर 100। तो ये मैंने आपको पहले बता रखा है, अगर आपको ग्रेफाइट पेंसिल्स यूज़ करनी है तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया आर्टलाइन, फेबर कैस्टल, कैमलिन, अप्सरा, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको आर्टलाइन बता रखा है क्योंकि वो थोड़ी डार्क होती हैं, बट वो अगर आपको अवेलेबल नहीं है, आपको जो भी अवेलेबल है, चाहे आपको अप्सरा की अवेलेबल हैं या फिर फेबर कैस्टल की, कैमलिन की, जो भी अवेलेबल हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट वो थोड़ी डार्क है इसलिए मैंने आपको बताया था, उसमें 10 भी पेंसिल मिल जाती है हमको, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सारी ग्रेफाइट होती हैं, सारे आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेंगे अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो। और चारकोल की बात करूँ तो चारकोल में कैमलिन मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगी, कैमलिन की जो सॉफ्ट चारकोल है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं, अभी भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, आपने देखा होगा मेरे स्केचेस में, हेयर में, डार्क एरियाज में मैं उसी का यूज़ करता हूँ, तो कैमलिन की आप यूज़ कर सकते हैं चारकोल पेंसिल, और ग्रेफाइट आप इनमें से कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं जो कि मैंने आपको बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष वर्धन, बाय लव योर वीडियोज़, माई क्वेश्चन इज़ जो चारकोल पेंसिल्स होती हैं वो मतलब उनकी लीड ब्रेक हो जाती है शार्प करने पे, तो आप उसे शार्प कैसे करते हो? तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है मैं अप्सरा के शार्पनर का यूज़ करता हूँ, तो ये वाला शार्पनर है जो अप्सरा का, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अगर आपकी पेंसिल टूटती है या तो आपका शार्पनर बहुत पुराना हो गया होगा या फिर वो पेंसिल ही ख़राब हो गया, क्योंकि आप चीप पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो अच्छे शार्प हो सके शार्पनर का यूज़ करके, तो आप एक तो न्यू शार्पनर का यूज़ करो, और अगर आप अच्छी ब्रांड की पेंसिल का यूज़ करोगे तो वो टूटेगी भी नहीं, तो आप कैमलिन की यूज़ कर सकते हैं चारकोल पेंसिल जो कि मैं यूज़ करता हूँ, और अच्छे शार्पनर का यूज़ करो, आपकी डेफिनेटली नहीं टूटेगी, बाकी कई पेंसिल्स में डिफेक्ट होता है जो कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, तो इसीलिए पेंसिल टूटती है, तो उस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि क्यों पेंसिल हमारी टूटती है, तो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद उमेर का, भाई आपका क्या कहना है, स्केच में ब्रेक लेना चाहिए? तो आई थिंक आपको लेना चाहिए स्केच में ब्रेक, मेरे साथ भी काफ़ी होता है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हुआ था, मैंने एक स्केच ड्रॉ किया कम्प्लीटली काफ़ी टाइम लगा के, और उसको मैंने लगातार ड्रॉ किया 4-5 घंटे लगा के, और लगातार ड्रॉ किया और मैंने उसमें ज़्यादा देखा नहीं और बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया, और जब मैं उसको एडिट करने लगा रात को तो मुझे उसमें थोड़ी काफ़ी दिक्कत लगी और सेम भी नहीं लग रहा था, तो मैंने अपलोड भी नहीं किया उसी दिन, वीडियो भी नहीं आई थी उस दिन, तो यही कारण था उस दिन वीडियो नहीं आई थी। तो मैं आपको यही कहूँगा, जब भी आप ड्रॉ करो तो आप बीच में पहले आउटलाइन ड्रॉ करो, उसके बाद आप ब्रेक ले लो, ताकि आपको चल जाएगा पता कि उस एक्यूरेट हुई या नहीं हुई है, क्योंकि हम लगातार ड्रॉ करते रहते हैं तो हमको पता नहीं चलता है कि वो एक्यूरेट है या नहीं है, या फिर शेडिंग करते वक्त, तो आप 5-10 मिनट का बीच में ब्रेक लेते रहो, ताकि आप जो भी आप गलतियां हो रही हैं उनको एक्यूरेट कर सको, क्योंकि लगातार ड्रॉ करते रहते तो हमको पता नहीं चलता है, तो मैं आपको यही कहूँगा ब्रेक जरूर लो बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनिका सेनन का, सर मेरे से शेडिंग नहीं हो पा रही है रियलिस्टिक, आउटलाइन अच्छे से ड्रॉ हो जाती है बट शेडिंग और ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, प्लीज़ हेल्प मी। तो अगर आपसे रियलिस्टिक शेडिंग नहीं हो पा रही है या फिर रियलिस्टिक ब्लेंडिंग नहीं हो पा रही है, तो मैं आपको कहूँगा पहले आप पेपर अपग्रेड करो, जो आप पेपर यूज़ कर रहे हो शायद वो अच्छी क्वालिटी का ना हो, अगर आप पेपर अच्छे से यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको ये कहूँगा आपको बेसिक प्रैक्टिस करनी चाहिए शेडिंग की, जो कि है स्टिल लाइफ, जो कि मैंने आपको अपनी वीडियोस में बता रखा है किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप मेरे ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं किस तरह से आपने शेडिंग की प्रैक्टिस करनी है थ्रू स्टिल लाइफ, तो स्टिल लाइफ की ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उससे आपको शेडिंग की नॉलेज हो जाएगी, तो उसके बाद ब्लेंडिंग पे भी मैंने वीडियो बना रखी है तो आप चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको बिल्कुल स्मूथ शेडिंग चाहिए, स्मूथ ब्लेंडिंग चाहिए, तो आप स्मूथ पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रफ और स्मूथ पेपर दो अलग अलग आते हैं, तो आप स्मूथ पेपर भी ट्राई कर सकते हैं जो कि आइवरी पेपर है, उस पर काफ़ी स्मूथ ब्लेंडिंग हो जाती है जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में बता रखा है, तो यही मेन कारण होते हैं अगर आपसे शेडिंग या स्मूथ नहीं हो पा रही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य विश्वकर्मा, हम कम समय में स्मूथ ड्राइंग कैसे बना सकते हैं? तो आई थिंक कम समय में अगर आपको स्मूथ ड्राइंग बनानी है तो आपको चारकोल पेंसिल का यूज़ करना चाहिए, तो चारकोल पेंसिल से आपको चारकोल पाउडर का यूज़ करना चाहिए, उससे आप काफ़ी कम समय में स्मूथ शेडिंग कर पाओगे, बट बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं कर पाओगे, अगर आपको बिल्कुल रियलिस्टिक करनी है अपनी फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग, फोटो रियलिस्टिक की तरह, तो उसके लिए तो आपको बिल्कुल टाइम लगाना पड़ेगा एक एक पार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करके, तो बिल्कुल रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक के लिए आपको टाइम लगाना ही पड़ेगा, बट अगर आपको जल्दी जल्दी में ड्रॉ करना है स्मूथ तो आपको चारकोल का यूज़ करना चाहिए, चारकोल से आप ब्रश का यूज़ करके काफ़ी अच्छे से स्मूथ इफेक्ट ला पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतिक कुमार का, हाउ टू इम्प्रूव ड्राइंग स्पीड मींस रैंडम स्केचिंग एंड ऑल। तो अगर आपको अपनी स्केचिंग की स्पीड इम्प्रूव करनी है तो आपको लाइन की प्रैक्टिस करनी चाहिए,
अपनी जो लाइंस हैं आउटलाइंस की, जो जो कि आप मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉ करना है, कोई आपके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको आप एकदम से उसकी आउटलाइंस को एकदम से ड्रॉ कर दे रहे हो पेपर के ऊपर बिना ज़्यादा स्ट्रोक्स लगाए, जल्दी जल्दी एकदम से स्ट्रोक्स लगा के, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और शेडिंग की जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करनी चाहिए, हैचिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो इससे आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। बट रियलिस्टिक के लिए मैंने आपको बताया, अगर आपको बिल्कुल रियलिस्टिक ड्रॉ करना है तो आपको टाइम लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमकार भगवत आर्ट का, भाई एक बार ये वाइट जेल पेन को इस्तेमाल कैसे करते हैं ये बता देना हेयर हाईलाइट के लिए। तो वाइट जेल पेन का यूज़ हम हेयर हाईलाइट के लिए नहीं कर सकते, आई थिंक नहीं करना चाहिए, कर तो सकते हैं बट आई थिंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये केमिकल होता है और पेपर ख़राब हो सकता है इससे आपका, और ड्राइंग भी ख़राब हो सकती है। तो मैं आपको ये कहूँगा वाइट जेल पेन का जितना कम यूज़ हो सके कम करो, जैसे कि बिल्कुल डॉट डॉट के लिए करो, जहाँ पे बिल्कुल वाइट डॉट आपने ड्रॉ करना है वहाँ पे भी आप इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगा जितना ज़्यादा कम यूज़ हो सके वाइट जेल पेन का कम यूज़ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल ज्ञान का, भाई आप HD फोटोज़ कहाँ से डाउनलोड करते हो? तो गूगल हो गया, इंस्टाग्राम, पिनसर्ट, ट्विटर, कोई भी सोशल मीडिया साइट है जहाँ पे मुझे कोई HD फोटोग्राफ मिल जाए तो मैं उसको सेव कर लेता हूँ। और ढूंढने में तो गूगल से बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, किसी मुझे एक्टर या फिर एक्ट्रेस की ड्राइंग ड्रॉ करनी हो तो ढूंढने में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवनीत कौर का, सो इनके 2 क्वेश्चन हैं, आप अपनी वीडियोज़ एडिट कैसे करते हो? वीडियोज़ एडिट करने के लिए मैं अभी फ़ोन से ही करता हूँ, पावर डायरेक्टर ऐप का यूज़ करता हूँ मैं, और मैंने वीडियो बना के किस तरह से मैं एडिट करता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, आपको जो ब्रांड्स सप्लाईज भेजते हैं वो कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं? तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है अपना ईमेल आईडी कि अगर आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना है तो आप मुझे कर सकते हैं, तो वो उसी पे मेल कर देते हैं मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुज व्यास, हे सौरभ माय क्वेश्चन इज फॉर स्मूथ स्किन टेक्सचर विच ब्लेंडिंग टूल डू यू प्रिफर, स्मूथ टिश्यू या फिर ब्लेंडिंग स्टम्प? तो ये पूछ रहे हैं कि स्मूथ स्किन टेक्सचर के लिए ब्लेंडिंग स्टम्प या फिर टिश्यू, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा? तो दोनों ही सही है, बट अगर आपको लार्ज एरियाज़ को ब्लेंड करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया लार्ज एरियाज़ को ब्लेंड करने के लिए टिश्यू का यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको छोटे मोटे एरियाज़ को करना है, जैसे कि छोटे मोटे डार्क एरियाज़ को करना है जैसे कि नोज़, आइज़, तो अब आप ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं ब्लेंडिंग करने की, और डिफरेंट डिफरेंट तरह से उनको यूज़ किया जाता है, जिस पर मैंने आपको वीडियोज़ में बता रखा है, तो आप मेरी वीडियोज़ चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्की शर्मा, भाई आपके हिसाब से आफ्टर 12th आर्ट के लिए कौन सा कोर्स करें? आफ्टर 12th आप कर सकते हैं BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, इसके कॉलेजेस हैं इंडिया में, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं और प्राइवेट भी हैं, तो आप ये कर सकते हैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट BFA, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं इसके, अगर इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनू कुमार का, फोटो फ्रेम ड्राइंग को करें या नहीं? तो अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, डेली आर्टवर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको कहूँगा बिल्कुल भी ना करें, आप डिस्प्ले बुक में रख सकते हैं। अगर करना ही है तो आप उसको प्रिंट निकलवा लो और प्रिंट को करो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ओरिजिनल अगर आपके पास रहेगा तो आप कभी देख सकते हो और कभी किसी को दिखाना हो तो अच्छे से दिखा सकते हो। तो प्रिंट कैसे करवाना है उस पर मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ मेरे आर्ट वाले व्लॉग वाले चैनल पर, सॉरी, तो आप मेरे व्लॉग वाले चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा किस तरह से आपको प्रिंट करना चाहिए। सो गाइस बस इतने ही क्वेश्चंस थे, जिनके मैं क्वेश्चंस नहीं पिक कर पाया उनको मैं सॉरी कहना चाहूँगा, और इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर मुझे टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, और मेरे ब्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।